हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर से संभाग के बाड़मेर के पचपदरा में बुधवार को आयोजित होने वाली विजय संकल्प रैली में भाग लेने के लिए कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक ही बस में से जोधपुर से पचपदरा के लिए रवाना हुए हैं। इसके लिए बाकायदा बस को रथ की तरह तैयार किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय त्रिवेदी ने बताया कि बाड़मेर के पचपदरा में आयोजित होने वाली विजय संकल्प रैली में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के महासचिव अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, रामेश्वर गुड़ी, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, सीपी जोशी, राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल, पूर्व सांसद हरीश चौधरी व बद्रीराम जाखड़, प्रदेश महासचिव पुखराज पाराशर, धर्मेंद्र राठौड़, सनियम गोलाट व आदि कई नेता पचपदरा के लिए रवाना हुए। पब्लिक का जो जिस रूप में वहाँ पब्लिक का मूड कर लीजिए, पब्लिक का रेस्पॉन्स कर लीजिए, मैं समझता हूँ सब जगह बहुत भयंकर आक्रोश है। ये जो तथाकथित राजस्थान गौरव यात्रा निकाले मुख्यमंत्री जी, उसको लेकर बहुत गुस्सा है कि किस बात पे गौरव मना रही हो। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से। 4.5 साल किसे कहते हैं, कोई काम नहीं किया, कहीं गई नहीं, कहीं मिली नहीं, और जहाँ गए तो बोले भर भर के, अपनी हिंदी उनका पता नहीं। तो अब आप निकले हो गौरव यात्रा पे और झूठे बयान दे रहे हो कांग्रेस के बारे में, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जब हमने कुछ सब कुछ किया। इनको पूछो पिछले 18 साल राज किया है बीजेपी ने, ये आंकड़े मालूम ही लोगों को। जब से शेखाव साहब मुख्यमंत्री बने थे 90 में, ये चल रहा है 2018 चल रहा है। 28 साल के अंदर 10 साल तो रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री, 18 साल रहे हैं बीजेपी की सरकार, 18 साल रहे। जवाब उनको देना चाहिए कि 18 साल में आपने क्या किया और हमने 10 साल में क्या किया। अगर तुलना करोगे तो ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, बोल तो बंद हो जाएंगे। पर ये जिस रूप में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, कभी टीचर्स को, कभी लाभार्थियों को बुला रही है, बेनिफिशियरी को बुला रही है, इनको बुलाना चाहिए, जो वंचित है उनको बुलाना चाहिए कि भाई आपको अगली बार आपका ध्यान रखेंगे। उसकी बजाय जो बेनिफिशियरी पहले हो चुके हैं, लाभ ले चुके हैं, उनको बुला के वो क्या आपके गुलाम है क्या? अगर उनको मिला है बेनिफिट तो उनका हक है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है, उसमें पब्लिक को बेनिफिट देना चाहिए, देना पड़ता है। हमने भी हमारे वक्त में कई पेंशन की, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, क्या क्या इसकी बनी बनाई, लैपटॉप दे दिए, साड़ियां दे दी, सब कुछ दिया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।